आपने मेरा न्योता स्वीकारा और इस निर्धन की कुटिया में पधारे। आपका ये उपकार मैं और मेरे पति कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारे पति? मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे हैं कि मैं उल्टा हूँ, चरित्र की गिरी हुई हूँ, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने पति के लिए कर रही हूँ। पति के लिए? उन्हें मिथिला नगरी जाना था। मैं पंडित जी के पास शुभ मुहूर्त निकलवाने पहुंची। वो मेरी ओर अचरज से देखने लगे और कहने लगे, किस बात का शुभ मुहूर्त? तुम तो अधिक से अधिक एक मास में विधवा हो जाओगी।